जाएंगे, पैसे कौड़ी इसने ले लिए, ये बाप किया था काम इसने। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया करते थे, कुल 16,000 कांग्रेस को 16,000 रुपया भी बहनों के मजदूर के छीन लिए थे। तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। अभी केजरीवाल आए थे, कह रहे थे तीर्थ यात्रा मेरी योजना है। भारत छोड़ दे, तीर्थ यात्रा तो मैंने 2013 में शुरू कर दी थी जब राजेंद्र मिश्र नाम विधायक बने थे। कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा भी बंद करवा दी। मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप छोड़ा, सारी योजना कांग्रेस ने सब कर दी थी। प्रियंका गांधी क्यों बंद करी बताओ? मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटा बेटी, सबकी योजना तुमने छीन ली। देखो मेरे बहनों भाई, मैंने कह रहा जो इंडी गठबंधन कांग्रेस का बनाया है उसकी पार्टी के नेता करें अखिलेश यादव। कांग्रेस तो धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी कांग्रेस, चालू पार्टी अखिलेश यादव है, सारी योजना बंद कर देते। और इसलिए कांग्रेस के चक्कर में होता है। अभी तो 1,250 रुपया पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जैसे ही पैसे आएंगे 1,250 से बना के राज 1,500 कर देंगे, फिर 1,500 से बना के 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750, और फिर कितने पैसे करूंगा? जोर से बोलो, जब 3,000 रुपया मिलेगा मेरी बहनों के खाते में दूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी मेरी बहनों, तब मुझे चैन मिलेगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं कि अपनी बहनों की जिंदगी बदलू। लेकिन कांग्रेस अगर आ गई तो न लाडली रहेगी, न बहना रहेगी, सब योजना बंद कर देंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? आगे का सुनो, केवल 3,000 रुपया नहीं, अपनी हर बहन को ये भाई लखपति बनाएगा, लखपति दीदी, लखपति। मैं मजाक नहीं कर रहा, अपने नेतृत्व से कह रहा हूं। मेरा संकल्प बहनों को गरीब नहीं रहेगी, आंसू नहीं बहाने दूंगा, मजबूरी में नहीं चलने दूंगा, हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा। मतलब 1,00,000 रुपया से ज्यादा साल भर की आमदनी, स्व सहायता समूह बना के, और ये मैं करके रहूंगा। मैं इसलिए नहीं हूं कि मुझे कोई मुख्यमंत्री बनने का शौक है, आपकी जिंदगी बदलना। इसके भाइयों और बहनों, कई बहने और भाई अपने कच्चे घर में रहते हैं, कई कच्चे घर में रहते हैं, अभी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना बनाई तो कई को पक्के घर मिल गए, लेकिन कई रह गए। आप बताओ जिनके पास पक्के घर नहीं है उनके पक्के घर बनने चाहिए कि नहीं? तो हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अध्यक्ष जी, इसका प्रचार हुआ कि नहीं? फॉर्म भरे जा रहे, और सुनो मेरी बहनों और भाइयों भी, आने वाले 5 साल में कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, भैया सबके पक्के मकान बनाने के पैसा दे। जिंदगी बदल दी। और किसान भाइयों, अगर 1,250 बहनों को मिल रहे हैं तो 1,000 रुपया किसान भाइयों आपको भी तो मिल रहे हैं। 6,000 पीएम साहब दे रहे हैं, 6,000 मैं दे रहा हूं, बताओ कांग्रेस ने कभी दिए थे क्या? और चिंता क्यों करते हो? ये 12,000 थोड़ी रहेंगे, पैसा आने दो, लाडली बहनों का पड़ेगा,
तो किसान भाइयों का भी बढ़ेगा चिंता है। आपकी जिंदगी केवल भारतीय जनता पार्टी में बदली है। 0% ब्याज में कर्जा से लेकर एक ही अनेकों योजनाएं मेरे किसान बहनों और भाइयों के लिए, और परिवार की सरकार का मतलब रसोई गैस का सिलेंडर मेरी बहनों 450 रुपया में ही दूंगा, चिंता मत करना। मेरी बहनें रसोई गैस पर रोटी बनाए, और परिवार की सरकार का मतलब कई मुझे बहनें मिली, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, तो चिंता मत करना, बड़े हुए बिजली के बिल ये भैया भरवाएगा, तुम्हें 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को परिवार की सरकार का मतलब मेरे भांजे भांजियों का ध्यान, ये जरा जरा से बच्चे मैं जहां से गुजरता हूं माँ की गोद से बैठ के भी चिल्लाते रहते हैं, ए मामा, ओ मामा, ए मम्मा। अब ये जानते नहीं कि मुख्यमंत्री क्या होता है, इनको तो ये पता ही, आदमी तो बड़ा पता अपना मामा है, ये मामा भांजे भांजियों का प्रेम है, और इसलिए इनकी पढ़ाई की व्यवस्था सीएम राइज स्कूल बनवा रहा हूं। यहाँ कहाँ कहाँ बन रहा है सीएम राइज स्कूल? बरगवा में सीएम राइज स्कूल, एक एक स्कूल 40-40 करोड़ का, प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा अच्छा स्कूल बना के दूंगा। वहां लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास सब चीजें होगी, और प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। राजेंद्र जी जाओ, 10 सीएम राज स्कूल तुम्हारे क्षेत्र में बना। हर 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल, ताकि बच्चे आए, बस सजाए, अच्छी पढ़ाई करें। कांग्रेस ने तो बच्चों का भला कभी नहीं किया। अरे दूसरे गांव बच्चे पढ़ने जाए तो मामा 4,500 रुपया साइकिल के दाम दिया, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप कंप्यूटर, और 12वीं में अगर बेटा बेटी फर्स्ट क्लास पास हो तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। ये कांग्रेस ने तो लैपटॉप ही छीन लिया, और अब सुनो अपने बच्चे गरीबों के किसानों के, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? ऐसे मरी आवाज मेरे, जरा जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। और आगे आने वाले समय में 5 साल में जो हमारा संकल्प है उसको घर घर पहुंचा दो, गांव गांव पहुंचा दो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार जिंदगी लोगों की बदलना है भाई, इसलिए हम सरकार में आना चाहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना, आपके तो आधे नेता भी जेल चलेगा भ्रष्टाचार में, ये झूठे लोग आपका भला नहीं कर सकते। देखो कांग्रेस में तो कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है, दिग्विजय अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, कमलनाथ अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, और दिग्विजय और कमलनाथ की चक्की में पूरी कांग्रेस पिस रही है। ये जीत गए तो जनता को भी पीस देंगे, ये अपने अपने बेटा को स्थापित करने में लगे हैं। मेरे बेटा बेटी तो पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटी है, बहनों और भाइयों ये सब मेरे, ये पहले मेरी है, ये गरीब मेरे, ये किसान मेरे हैं। मैं तुम्हारी भलाई में लगा हूं मेरे बहन भाइयों, मैं तुम्हारी भलाई में लगा,
इस देवघर क्षेत्र में जितने विकास के काम किए मैंने किए, राजेंद्र मेश्राम ने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। बताओ कांग्रेस ने कभी काम किए थे क्या? और इसलिए इसके चक्कर में मत आना। आप बताओ मुझे, आप सबको मुझ पर विश्वास है? सब बताओ सबको विश्वास है? तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा? तो फिर से मेरी सरकार आनी चाहिए कि नहीं? फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए कि नहीं? तो मेरी सरकार तब आएगी जब राजेंद्र मेश्राम विधायक बने थे। राजेंद्र आपका सेवक, निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से आपकी सेवा की, इसलिए आप राजेंद्र को आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, कमल के फूल की बटन दबाए और मामा को भी आशीर्वाद दे दें, मोदी जी को भी आशीर्वाद दे दें। तो बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा। एक बात और, अकेले हम काय को चुनाव प्रचार करें? बताओ पार्टी को जिताने के लिए आपको भी चुनाव प्रचार करना चाहिए कि नहीं? तो सब निकल जाओ 10-12 दिन के लिए और कह दो मामा जी की पार्टी को जिताएंगे, मोदी जी की पार्टी को जिताएंगे, राजेंद्र मेश्राम को जिताएंगे। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम बीजेपी को वोट देंगे और वोट दिलवाएंगे। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत सभाएं हैं फिर भी मैं उतर के जब तक भाई बहनों से मिल नहीं देता, मुझे चैन नहीं मिलता, तो फटाफट मिलते हुए